अगर आपका वोटर आई कार्ड खो गया है या फिर आप इसे फ्री में डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवाना चाहते हैं, इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे घर बैठे फ्री में वोटर सर्विस पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रोसेस में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं वहाँ आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। साथ ही यह वीडियो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। मैं इस लिंक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप वहां से इसे क्लिक करके यहां पर आ सकते हैं। फिर आपको यहां पर टॉप राइट कॉर्नर पर साइन अप का ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। यहां पर आपको कुछ डिटेल्स फिल करना है, मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस और कैप्चा। सारे डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आपका फर्स्ट नेम फिल करना है, यहाँ पर आपको आपका लास्ट नेम फिल करना है, फिर आपको एक पासवर्ड को चूज करना है, आपको यहाँ पासवर्ड फिल करना है, फिर कंफर्म पासवर्ड में भी सेम पासवर्ड को फिल करना है। तो चलिए मैं इसे फिल कर लेता हूँ। फिर आपको रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगी, आपको वो ओटीपी यहाँ पर फिल करना है। फिर आपके ईमेल एड्रेस वाले ओटीपी को आपको नीचे फिल करना है। ओटीपी फिल करने के बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। अब आप यहां पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को एंटर कर सकते हैं जो आपने कुछ मिनट पहले ही रजिस्ट्रेशन के टाइम फिल किया था, या फिर आप यहां पर ईमेल एड्रेस भी फिल कर सकते हैं। फिर आपको पासवर्ड फिल कर देना है और यहां पर कैप्चा को फिल करके रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करना है। ओटीपी फिल करने के बाद आपको वेरीफाई एंड लॉगिन पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर राइट साइड में EPIC डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको इंटर EPIC नंबर में आपके वोटर आई कार्ड में दी गई EPIC नंबर को यहाँ पर एंटर करना है। EPIC नंबर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर आपका स्टेट को चूज़ करना है। यदि आपका EPIC नंबर खो गया हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई एक लिंक पर वीडियो को देख सकते हैं कि आप अपने EPIC नंबर को कैसे खो सकते हैं, या फिर आपको ये ऊपर आई बटन पर वो उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसे देखकर समझ सकते हैं आप अपना EPIC नंबर कैसे खोल सकते हैं। स्टेट चूज करने के बाद आपको सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको यहां पर आपका डिटेल शो होगा, आपको नीचे स्क्रॉल करना है और सेंड OTP पर क्लिक करना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगी, आपको वो OTP यहां पर एंटर करना है। OTP एंटर करने के बाद आपको वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा और फिर आपको आपका EPIC डाउनलोड करने का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। अब आप यहां पर डाउनलोड EPIC पर क्लिक करके आप अपना EPIC यानी वोटर आई कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसे अपने सिस्टम में सेव कर सकते हैं। यहां पर आपको आपका सारा डिटेल शो होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े।